अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व आल इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आल मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व आल इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने अपने कुछ गुज़श्ता वीडियोज़ में बताया था के राहू के असरात दुनिया को अपनी लपेट में लेंगे, और उसके सदकात भी बताए थे ताकि आप लोग उसकी नौसत से महफूज रह सकें। आज हम गुफ्तगू करेंगे रशिया और यूक्रेन की जंग। रशिया और यूक्रेन की जंग ये भी राहु का रेट्रोग्रेड होना है बुर्ज सौर में, और राहु एक आग होती है, एक जलने की तरफ इशारा होता है। राहु जिन बुर्ज को मुतासर करता है उनमें बुर्ज हमल है, अलिफ लाम एन और या के साथ जिनका नाम हो, इसके अलावा बा और वाव के साथ हो, और इसके अलावा जो है काफ काफ के साथ हो, यानि के और क्यू के साथ है। जिन ममालिक का नाम होगा, जिन शहरों का नाम होगा, जिन आबादियों का नाम होगा, जिन लोगों का नाम होगा, वो इसके बद असरात की वजह से ज़्यादा मुतासर होंगे। राहु क्या है? राहु को सांप की सूरत में दिखाया गया है। राहु को जो कुछ इस किस्म के कुतबात मिले हैं यमन की तरफ या दूसरे की तरफ, उनकी आपको वीडियोस भी मिलेंगी। वहाँ पे उन्होंने बताया है कि सांप की सूरत उनको नज़र आती है। तो सांप का आना ये वो ही है। राहु रिवर्स चलता है अपनी चाल के हिसाब से, सयारे जो चलते हैं जिस तरफ से उसके रिवर्स में वो चलता है, और इनके शेडो जो होते हैं वो मुतासर करते हैं, और इनका जो टेल होता है उसको ड्रैगन टेल कहा जाता है। तो अब मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा कि अगर एक ही हरफ हो तो एक ही हरफ से जो है टकराव में आता है तो नुकसानात का बायस होता है। जैसा कि व्लादिमीर प्यूटन है तो व्लादी दूसरा नैन्सी है, तो ये समझो कि एक ही हरफ होने की वजह से ये टकराव होता है। और ये इल्म जफर के कवायद में है कि एक ही हरफ अगर हो तो उनका टकराव तबाही लाता है। एक ये पॉइंट है। दूसरी पॉइंट ये है कि इसका जो हरफ है वो बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखता है, और बुर्ज सौर में ही जो है रेट्रोग्रेस रिवर्स या उल्टा बैठा है राहु, और ये सीधा होगा मई में। तो समझो कि जंग अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन एक अगर हम सोचें तो जब ये मई के फर्स्ट में निकलेगा, सीधा होगा, डायरेक्ट हो जाएगा, तो तभी जाके इनको, इन लोगों को, इन लीडरान को, आलमी क़ुव्वतों को ख्याल आएगा कि बैठें। अभी सब लोगों के जो दिमाग हैं गर्म हैं, क्योंकि उनको राहु उनको गुस्सा दिला रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन हो, रशिया हो, नेटो हो, या दूसरे ममालिक जो हैं ये सब मुतासर हो रहे हैं। मैंने अपनी वीडियोस में पहले कहा था कि
मेपिडिकेशन कम करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को मालूमात देने के लिए मुझे करना पड़ रहा है कि आप लोगों को बताऊं। तो सबसे पहले ये समझें कि जो पेडिकेशंस बुज़ुर्गान दीन या औलिया इकराम ने पहले कर दिए हैं उनमें हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोईयाँ हैं, उसमें जो है इंग्लैंड या बरतानिया का नाम आता है कि उसको जो है आलमी जंग तीसरी में मुकम्मल ख़त्म कर देगा रशिया की तरफ। अल्लाह ना करे, क्योंकि हम इसको किसी के नुकसान में नहीं सोचते, लेकिन जंग जंगी है और ये जंग मफादात की जंग है। दुनिया पूरी के 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट में एक बर्फ़ है एंटार्कटिका, बाकी बचे 6, उन 6 में एक जो है अफ्रीका है, वो कंज्यूमर है प्रोड्यूसर नहीं है, और बाकी बचे 5, उन 5 में जो है ऑस्ट्रेलिया है, ये प्रोड्यूसर है, उनकी जो है अपनी चीज़ें बना के बेचता है, इसी तरह यूरोप है वो भी बना के बेचता है। तो एशिया बहुत इस मामले में पीछे था, अभी वो अपनी प्रोडक्ट्स बना रहा है, वो एक प्रोड्यूसर है। तो एक आलमी मफादी जंग हो गई है यूरोप की, यूरो जो है यूरोप यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो प्रोड्यूसर थी, अब उनकी जो समझो कि एक अहमियत नहीं रह गई है और हर एक अपना ट्रेड रूट बनाना चाहता है, तो इसीलिए आलमी ताकतें इस जंग को ठंडा नहीं करना चाहती, वो अपने मफादात हासिल करना चाहती हैं। लेकिन ये तब ठंडा होगा, जब बातें तब सही होंगी, जब 2022 में मई 2022 के फर्स्ट में जो है ना ये राहु सीधा होगा, डायरेक्ट हो जाएगा, तो फिर ये लोग टेबल टॉक्स की तरफ आएंगे। तब तक ये तबाही मचा रहे हैं, नुकसानात, फितने फसादात, तो ये सारे मामलात अभी इस वजह से हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये एक यही हालत है, ना यूक्रेन के लीडरान मान रहे थे, ना नेटो के मान रहे थे, ना रशिया के मान रहे थे, तो ये आलमी जंगें इस तरह से हो जाती हैं। पर अल्लाह ताला फजल करेगा तो कोशिश करके सदकात वगैरह निकालें ताकि इसकी नौसत से बचा जाए। ये सारे मामलात राहु की तरफ हैं और राहु इस वक्त रेट्रोग्रेड है इंग्लैंड के दूसरे खाने में। अगर इंग्लैंड के दूसरे खाने में ये रिवर्स है तो इसका मतलब है कि इंग्लैंड के एसेट्स को नुकसान पहुंचेगा। राहु की इनडायरेक्ट होने से इंग्लैंड के एसेट्स को नुकसान पहुंचेगा, और क्योंकि दूसरा खाना जो है वो खाकी है, यानी खाक एसेट्स हैं, तो इंग्लैंड के जो एसेट्स हैं यानी ज़मीन को नुकसान पहुंचेगा। तो ये जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिकेशन है उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये इल्म गैब नहीं है, बल्कि ये नॉलेज ऑफ साइंस है, यानी निशानियां जो के स्टार्स की पोजीशन को देखते हुए उसके मुताबिक बात को समझा जाता है या बताया जाता है। तो इस वक्त हालात उस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से महफूज है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। बाकी ये एक ऐसा पीरियड है कि बुर्ज हमल जो है वो
अगर आप यूनिवर्सल जोडिकल चार्ट बनाएंगे तो उसमें बुर्ज हमल फर्स्ट आएगा, और अगर ह्यूमन बीइंग का अगर आप फर्स्ट यानी ह्यूमन बीइंग का अगर आप फर्स्ट नेटल चार्ट बनाएंगे तो भी एरीज़ जो है वो फर्स्ट रहेगा। तो ये जंग हकीकतन अगर देखा जाए तो पूरी इंसानियत के लिए नुकसानदायक है, पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा खतरात और नुकसानात जो झील रहा है वो इंसानियत है, वो इंसान है, वो ह्यूमन बीइंग है, वो मैनकाइंड है। तो लीडरान को इस तरफ सोचना चाहिए और इन नुकसानात से गुरेज करना चाहिए, मुफाहमत की टेबल पे आना चाहिए ताकि मज़ीद नुकसानात इंसान ज़ात के नहीं हो और ये ज़मीन इस कायनात की खूबसूरती ज़मीन से है और इस ज़मीन की खूबसूरती इंसान से है, इंसानियत से है। हमारा पैगाम अमन है और इस्लाम का पैगाम अमन है। खुदा हाफिज़।